सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर सभी से महिलाओं का सम्मान करने की अपील की गई। वहीं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला सोलन के उपमंडल अर्की में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से नगर पंचायत द्वारा चौगान मैदान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने की। एक दिवसीय कार्यक्रम में महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान नगर पंचायत में कार्यरत मंजू ने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य कर रही हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि 15 मार्च से 3 प्रकार के प्रशिक्षण शिविर अर्की में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षण शिविरों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अर्की नगर पंचायत द्वारा एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे अर्की नगर की शहर की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी में भारती जी और हमारे स्वयं सहायता समूह के जो हमारे कन्वीनर हैं यहाँ से मंजू जी और हमारी नगर पंचायत में वार्ड नंबर 7 से हमारी रुचिका गुप्ता जी भी इसमें उपस्थित थी। इसमें हमने महिलाओं के बारे में आत्मनिर्भर बनने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर महिलाओं ने भी अपने अपने विचार रखे और महिलाओं के प्रति समाज का रवैया और समाज के प्रति उनके प्रति क्या भेदभाव रहता है या समाज में के लिए वो क्या कर सकती हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया और अपने को जागरूक किया और महिलाओं को बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो सरकार की जो बेहतर स्कीमें हैं उन स्कीमों को वो उनका लाभ कैसे ले सकते हैं और क्या क्या उसमें कर सकते हैं। हम 15 मार्च के बाद जल्दी अर्की में 3 तरह के शिविर लगा रहे हैं, जिसमें सॉफ्ट टॉयज बनाने के लिए, अचार चटनी, मुरब्बा जैम वगैरह बनाने के लिए और साथ में चीड़ की पत्तियों से जो बनते हैं बहुमूल्य अपने टोकरी वगैरह या बैग वगैरह जूट के, इससे संबंधित हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे, जिससे अर्की की महिलाएं जो है जागरूक होंगी और अपनी इनकम को बढ़ाने में उनको मदद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर बिलासपुर सदर विकास खंड कार्यालय के अम्बेडकर भवन में महिलाओं के सम्मान में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर तोरुल एस रविश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महिला मंडल की महिलाओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शानदार प्रस्तुतियां पेश कर खूब वाहवाही लूटी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल एस रविश ने महिला दिवस के खास मौके पर महिलाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने सभी से महिलाओं को मान सम्मान देने की अपील की। जैसे कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है और हर साल की भांति इस साल भी इसे अच्छे से बनाया जा रहा है। यहाँ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम DPO ने रखा है और इस दिन हमारा यही संदेश है कि महिला दिवस को सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी उतने ही उल्लास से मनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जब हम अपने घर की महिलाएं, अपने ऑफिस की महिलाएं, अपनी ज़िंदगी में जो भी हैं उनको ऑनर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक थैंक यू देने का एक ही अच्छा मौका रहता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आज ही नहीं रोज़ महिला दिवस के रूप में मनाएं, रोज़ अपनी ज़िंदगी में जो महिलाएं हैं उनको उनका जो रिस्पेक्ट है वो दें, उनको अपने अधिकार दें, उनको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दें। ग्राम पंचायत दाडलाघाट के गांव कोटला नुमहाला में महिला दिवस का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुनिहार BDC की अध्यक्षा सोमा कौंडल रही। इस दौरान मुख्य अतिथि सोमा कौंडल ने अपने संबोधन में कहा कि बेटियों ने देश और समाज का नाम रोशन किया है, खेलों के साथ साथ अब सेना में भी बेटियां अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने उपस्थित सभी महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों व विभिन्न महिला मंडल की महिलाओं ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
कार्यक्रम के अंत में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर कमलेश कपिल ने महिलाओं की समाज में भागीदारी और महिलाओं के योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के बारे में भी स्थानीय महिलाओं को जागरूक किया। आज महिला दिवस पर मैं यहाँ पर आए हुए सभी महिला मंडलों को बधाई देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे आए हुए सभी महिला मंडलों ने जो भी अपना अपना कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं सभी महिला मंडलों का धन्यवाद करती हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग आस्था एवं संस्कार केंद्र ज्वालामुखी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर टांडा मेडिकल कॉलेज से आई डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। संस्कार केंद्र के संयोजक वासुदेव शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। मुख्य उद्देश्य यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम महिलाओं के सम्मान में कुछ कार्यक्रम करें। बहुत से महिलाएं जैसे गर्भवती हैं या कोई उनको ऑपरेशन है, तो हमारा एक छोटा सा योगदान है। इस योगदान के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनकी सहायता कर सकें, और ऐसे ही आस्था एवं संस्कार केंद्र आगे भी ऐसे कार्यक्रम करता रहेगा। और बच्चों के लिए हमने विशेष रूप से एक संस्कार केंद्र खोलने का आयोजन किया है यहाँ पे ज्वाला जी में, और बच्चों विभिन्न कार्यक्रम करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने भी रक्तदान कर अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। ज्वालामुखी की रिद्धिमा सूद ने पहली बार महिला दिवस पर रक्त देकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि उनका रक्त किसी जरूरतमंद के काम आएगा। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपना रक्तदान शिविर लगा हुआ था, जहाँ पे मैंने अपना रक्त दिया है, और ये रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आएगा। मुझे इसमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। ऐसे रक्त शिविर अक्सर लगते रहने चाहिए, ताकि हम किसी ज़रूरतमंद के काम आते रहें। कंडाघाट की ग्राम पंचायत श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग कंडाघाट द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उपमंडल आयुर्वेदिक अधिकारी कंडाघाट डॉक्टर पूनम जरेट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान CDPO कंडाघाट पवन गर्ग ने कार्यक्रम में आई महिलाओं को महिला दिवस और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, मटका फोड़ और रस्सा कस्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। CDPO कंडाघाट पवन गर्ग ने बताया कि श्रीनगर पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, और इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी महिलाओं को जानकारी दी गई। महिलाओं को आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने कंडाघाट विकास खंड में श्रीनगर पंचायत में महिला दिवस का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति उनकी से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमने डॉक्टर पूनम जरेट, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको रखा है। उन्होंने वहाँ से संबंधित जानकारी भी दी, और हम लोगों ने जो महिलाओं ने बहुत अच्छा कार्य किया है उन महिलाओं को सम्मानित किया, और हमारी 3 बेटियों को गर्ल अचीवर के से भी सम्मानित किया गया। विकास खंड कंडाघाट के कृषि विभाग द्वारा सोमवार को कंडाघाट की ग्राम पंचायत कवारक व श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परियोजना निदेशक सोलन डॉक्टर रविंदर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 2 पंचायतों में आयोजित इन शिविरों में 120 से अधिक किसानों सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कवारक पंचायत में परियोजना निदेशक सोलन डॉक्टर रविंदर, जबकि श्रीनगर पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान कृषि विभाग कंडाघाट की सहायक तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर शैलजा चंदेल ने उपस्थित किसानों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी प्रदान की। डॉक्टर शैलजा चंदेल ने कहा कि कंडाघाट की श्रीनगर और कवारक पंचायत में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में
किसानों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। तो आप मुझे ये बताइए, जब कोई एक साथ केमिकल पी लेता है एज अ सुसाइड करने के लिए, तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है, पर आप लोग जो 12 से 15 स्प्रे अपने टमाटर या कोई भी फसल है उस पर आप 12 से 15 स्प्रे कर रहे हैं, तो उसमें अगर 5% भी आपका केमिकल जा रहा है, आपकी फसल पे केमिकल जा रहा है, तो वो एक तरह से आपका धीरे धीरे आप अपने शरीर को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के शरीर को, लोगों को जो आप बेच रहे हैं या अपना परिवार, लोगों की तो चलो छोड़ो, अपने परिवार के लिए तो सब अच्छा ही सोचते हैं, पर आप लोगों को लगता नहीं है कि आप अपने परिवार को धीरे धीरे केमिकल ही खिला रहे हैं। केमिकल खेती और प्राकृतिक खेती, आप पैसा कमाने के लिए लोगों ने केमिकल इतना ज़्यादा स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया है कि वो कहते हैं कि बिना केमिकल की खेती नहीं हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, प्राकृतिक खेती आपकी संभव है और आप इसको कर सकते हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में विश्व महिला दिवस के मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उपायुक्त ने विभागीय महिला कर्मचारियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। उपायुक्त कुल्लू डॉक्टर ऋचा वर्मा ने कहा कि कुल्लू जिला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने कहा कि महिला दिवस के खास मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुल्लू जिला में मनाया गया। आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है महिलाओं ने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी में उसको सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ ही साथ ये प्रतीक होता है, प्रतीक है कि जैसे कुछ समय पहले तक, कुछ सालों या दशकों पहले तक मैं बात करूं, महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे, बहुत सारा भेदभाव था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उस चीज़ का प्रतीक है जिसमें महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई और आज आप देख सकते हैं कि वो कंधे से कंधा मिलाकर हर जो भी फील्ड है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। चाहे हम कुल्लू जिला की बात करें, देश की तो बात है ही, कुल्लू जिला की भी बात करें, आपने हाल ही के पंचायत इलेक्शंस में भी देखा कि किस तरह से महिलाओं की भूमिका अहम रही, और चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे वो कोरोना जैसी महामारी से जब लड़ने की बात आई तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, जहां लोग डर रहे थे कि भाई कोरोना पता नहीं कैसा होगा, आदमी आदमी से डर रहा था, उस वक्त हमारी महिलाओं ने बागडोर संभाली, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, हमारी हेल्थ वर्कर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया और इस महामारी से जो है हमने लड़ने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। पछात की भाजपा विधायक रीना कश्यप ने फूड फेस्टिवल का शुभारंभ किया। दो दिवसीय जिला स्तरीय फूड फेस्टिवल में जहां विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, वहीं स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक रीना कश्यप ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है और इस तरह के आयोजन सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी महिलाओं को, आज उनका महिला दिवस है, सबसे पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस प्रकार हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो 26 तारीख को जो 6 तारीख को जो बजट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छे निर्णय लिए गए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सब महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और जिस प्रकार अनेकों योजनाएँ जैसे गृहिणी सुविधा योजना है या फिर शगुन जो अभी नई योजना बेटी के लिए चलाई गई है, और वरिष्ठ महिलाओं के लिए जो 65 से 59 साल की जो महिलाएं हैं उनको बिना किसी शर्त के जो 1,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। चौगान मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सोलन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की। इस दौरान महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। महिला दिवस पर आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को करवाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना रहा। इस दौरान उपायुक्त सोलन केसी चमन ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि महिलाओं के बिना कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आज बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दिवस के ऊपर महिला सशक्तिकरण के तहत जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, मेरा समाज से यही है कि आज के समय में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बल्कि बेटियां दो कदम आगे बढ़कर समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। चाहे वो ऑफिस की कार्यकर्ता हो, बिल्कुल डेडिकेटेड होती है, ईमानदार होती है, उसमें हर एक कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक रहती है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये रहेगी कि हर बेटियों का जो सम्मान है उसको पूरा दें और उनके हर एक बर्थडे को हर एक उनके लिए प्रोत्साहन दें, ताकि किसी प्रकार की जो डिस्पैरिटी बेटा और बेटी में है समाज में ना हो।